मार्केट क्या प्राइमरी मार्केट कहीं भी मुनाफा छुपा है ना तो आपके हम सामने ढूंढ के लेके आएंगे। कल से दो आईपीओ खुल रहे हैं, पहला रिट्स का आईपीओ है और दूसरा है फाइन ऑर्गेनिक्स का आईपीओ। रिट्स के बारे में तो अनिल जी पहले भी आपको बता चुके हैं, एक बार फिर से देखिएगा कि रिट्स आईपीओ के बारे में कैसे आपको निवेश करना है, शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म कितनी एप्लीकेशन लगेगी, और फिर संदीप से हम जानेंगे फाइन ऑर्गेनिक्स के बारे में। पहले जरा रिट्स के बारे में जानते हैं। देखिए रेलवे की कंपनी है, सरकारी कंपनी है, पूरी की पूरी हिस्सेदारी सरकार के पास और सरकार इसमें से अपनी कुछ हिस्सेदारी बेच रही है, ठीक है। तो राइट्स कहते हैं, रिट्स कहते हैं, पता नहीं अब इसको एग्जैक्टली किस तरह से बोलना चाहिए, लेकिन राइट्स अगर मानकर चलें तो ये रेलवे की कंपनी आपके लिए 180 से 185 रुपये का जो प्राइस बैंड है और इसमें 6 रुपये का डिस्काउंट है रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए। तो ये मानकर चलें कि रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए 179 रुपए में ये शेयर पड़ेगा, 2.5 करोड़ शेयर करीब सरकार बेचेगी। फंडामेंटल्स मजबूत है, दुनिया में सबसे बड़े एम्प्लॉयर में से एक रेलवे है, उसकी ग्रुप कंपनी है, वैल्यूएशंस अच्छे रखे हैं सरकार ने, ये बढ़िया काम किया है। और इस लिहाज से मुझे लगता है कि अगर आप एक ऐसे इन्वेस्टर हैं जो लॉन्ग टर्म के लिए इस आईपीओ में पैसा लगाना चाहते हैं, निश्चिंत होकर लगाइए। अगर आप एक ऐसे इन्वेस्टर हैं जिन्हें लॉन्ग टर्म नहीं, मुझे शॉर्ट टर्म के लिए ही पैसा लगाना है सिर्फ और सिर्फ लिस्टिंग के दिन मेरा मुनाफा बन जाए, तब भी आपके लिए डेफिनेटली पैसा लगाना चाहिए। क्योंकि मेरा ये समझना है 179 रुपए की प्राइस से अगर आप गिने तो आराम से 15-20% तक की आपको एक मुनाफे की गुंजाइश लिस्टिंग पर बनती है, तो लिस्टिंग गेन के लिए भी परफेक्ट है। अब बाजार अगर थोड़ा ऊपर नीचे हो जाए, कर जाए, तो हो सकता है मुनाफा हल्का सा कम या ज्यादा बन जाए, लेकिन इस आईपीओ में पैसा लगाकर आपका पैसा डूबेगा नहीं, आप नुकसान में नहीं होंगे और लिस्टिंग नीचे नहीं होगी चाहे बाजार कुछ भी हो। तो लिस्टिंग पर पैसा बन रहा है, लॉन्ग टर्म के लिए भी ठीक है। तो मेरा ये मानना है हर एक रिटेल इन्वेस्टर को रिटेल कैटेगरी में सिंगल लोट वाली एप्लीकेशन जो 15,000 रुपए के नीचे की होती है और इस केस में 80 शेयरों का जो लोट साइज है उसकी एक एप्लीकेशन जरूर 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 करनी चाहिए। ये आईपीओ डोंट मिस वाला है, लगाना ही है आपको पैसा। तो रिट्स के आईपीओ में आप चाहे लंबी अवधि के निवेशक हैं या फिर लिस्टिंग गेन लगाना चाहते हैं तो आपको लगाना ही लगाना है, लेकिन फाइन ऑर्गेनिक्स के आईपीओ की भी जरा डिटेल जान लीजिए, फिर इसके बारे में भी एनालिसिस करके आपको बताएंगे इस आईपीओ में करना क्या है। संदीप बता रहे हैं इसकी थोड़ी डिटेल, संदीप बताएं। प्राइस बैंड वो तय किया गया है 600 करोड़ रुपए के आसपास की रकम कंपनी जुटाएगी, लेकिन आपको बता दें कंपनी के पास कोई भी रकम नहीं आती हुई दिखेगी, जो मौजूदा निवेशक है वो एफएस के जरिए अपना स्टेक बेचते हुए दिखेंगे। तो उस लिहाज से देखा जाए आईपीओ की रकम का तो ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं रहा, अब कंपनी का कारोबार क्या है ये देखना काफी इंपॉर्टेंट है। एक नीश कारोबार है, अलग सा कारोबार है, ये ओलियो केमिकल आधारित एडिटिव्स बनाती है। अब ये एडिटिव्स जो होते हैं उसका इस्तेमाल आप देखिए, एक तो फूड में, कॉस्मेटिक्स, फार्मा, पेंट, इंक जैसी जो इंडस्ट्रीज है, रबर, पीवीसी पाइप से बनाती है, उनके लिए ये काफी अहम है। और आपको बता दें कि देश की सबसे बड़ी कंपनी है जहां तक ये एडिटिव्स बनाने की बात है, और उसके साथ साथ इन्होंने कुछ टाइम पहले ही स्लिप एडिटिव बनाने के कारोबार में भी एंट्री करी है, और दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी है ये। तो उस लिहाज से देखा जाए एक नीश कारोबार है, अलग सा कारोबार है, थोड़ा समझना मुश्किल है जरूर निवेशकों के लिए, लेकिन एंट्री बैरियर काफी ज्यादा है। तो उस लिहाज से देखा जाए बाकी प्लेयर्स के साथ इनका जो कॉम्पिटिशन है वो काफी कम है, और कंपनी के मुकाबले जो मौजूदा प्लेयर्स हैं जिसमें आप गैलेक्सी को देखिए या एसएच केलकर को देखिए, उनके मुकाबले काफी कम लागत पे इन्होंने अपनी क्षमता जोड़ी है और आगे भी क्षमता में लगातार विस्तार कर रहे हैं। दोनों प्लांट ये बना भी रहे हैं और जर्मनी में भी विस्तार कर रहे हैं। फाइनेंशियल्स ठीक ठाक हैं, अच्छी खासी ग्रोथ इनकी आय और मुनाफे में देखने को मिल रही है, और क्षमता बढ़ेगी तो जाहिर सी बात है आगे प्रॉफिट में और इजाफा ही देखने को मिलेगा। वैल्यूएशंस की जहां तक बात है तो गैलेक्सी से कंपेयर करें, एसएच केलकर से कंपेयर करें, तो आपको अच्छी वैल्यूएशंस ठीक ठाक उनके बराबर ही नजर आएंगी, लेकिन जैसे मैंने कहा अलग कारोबार है, कॉम्पिटिशन कम है, एंट्री बैरियर काफी ज्यादा है, बाकी कोई प्लेयर बहुत जल्दी एंट्री नहीं कर सकता है। तो उस लिहाज से देखा जाए अलग सा बिजनेस मॉडल है, अच्छी ग्रोथ वाला कारोबार है, तो उस लिहाज से देखा जाए यही एक शायद पॉइंट है जो कि ब्रोकिंग हाउसेस को भी पसंद आ रहा है, चाहे आईसीआईसीआई डायरेक्ट की रिपोर्ट उठा लीजिए या जीपीएल कैपिटल, दोनों मानते हैं कि अगर आपका लंबी अवधि का नजरिया है तो इसमें आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। ओके, तो ये हो गया फाइन ऑर्गेनिक्स के आईपीओ की पूरी डिटेल। ज्यादातर ब्रोकिंग हाउसेस इसको सब्सक्रिप्शन की राय भी दे रहे हैं। अनिल जी, इस पे आपकी स्टडी, आप इसमें क्या कहेंगे? देखिए सब्सक्राइब किया जा सकता है लिस्टिंग गेन के लिए। नहीं, वही है कि यहाँ लिस्टिंग गेन को लेकर मैं कॉन्फिडेंट नहीं हूँ।
अच्छा, और वो इसलिए कॉन्फिडेंट नहीं हूँ डिम्पी कि थोड़ा सा मार्केट का माहौल देख के और इश्यू की प्राइस को देखकर हो सकता है इश्यू लिस्टिंग 780-783 का जो इश्यू प्राइस है उसके आसपास हो या थोड़ी सी प्रीमियम पर हो। तो वो लोग जो सिर्फ और सिर्फ लिस्टिंग गेन के लिहाज से पैसा लगाना चाहते हैं उनके लिए राइट्स परफेक्ट है। ओके, रेलवे वाला ये नहीं, इसमें मार्केट अच्छा रहा तो बन भी सकता है, नहीं अच्छा रहा तो ना भी बने। अगर इसमें पैसा लगाना है तो लॉन्ग टर्म के लिए लगाएं, सिर्फ लिस्टिंग के लिहाज से लगाना रिस्की है, और अगर फिर भी आप लगाना चाहें तो आपकी आपकी मर्जी, आप अपनी रिस्क देखकर लगाएं, सिंपल है। ठीक है, तो मतलब लिस्टिंग गेन के लिए कम से कम लिस्टिंग गेन के लिए दोनों चीज के लिए है। हाँ, कंपनी बुरी नहीं है, सब ठीक है, मैनेजमेंट भी ठीक है, बिजनेस भी है, लेकिन इसमें दो समस्या है। एक, पहला पैसा जो भी आईपीओ से आएगा वो कंपनी के पास नहीं जा रहा। ओके, हाँ, है ना, तो कंपनी के लिए तो कोई फाइनेंशियल परफॉर्मेंस इंप्रूव होगी नहीं, तो जो है वही चलेगी। दूसरा, चूंकि प्राइसिंग ऐसी है कि बहुत अच्छी नहीं है और बहुत खराब नहीं है, ऐसा भी नहीं कह सकते कि बहुत महंगा, मतलब मत ही लगाओ पैसा। तो अब आपको कॉल मार्केट पे लेना है। मेरा फंडा क्लियर है, मुझे अगर लिस्टिंग पे आज के माहौल में मिनिमम 10% से 10 भी नहीं 15-20% की गुंजाइश दिखती हो तो मैं लगाना प्रेफर करता हूँ, ताकि क्या है कि अगर बाजार खराब भी हो जाए तो आपकी लिस्टिंग नीचे ना हो। अब देखो, आईपीओ में आप पैसा लगाए, लिस्टिंग नीचे हो तो फिर तो बेवकूफी वाली बात हुई ना। बिल्कुल, तो फिर तो आप लिस्ट होने के बाद ले लो, तो ऐसे में एक बार छोड़ दें तो क्या फर्क पड़ता है, एक आईपीओ में नहीं बना पैसा, नहीं बना छोड़ दीजिए, ठीक है, और लगाए तो फिर लॉन्ग टर्म के लिए राइट्स परफेक्ट लगा लीजिए उसमें। ठीक है, राइट्स ओके है, और शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म के लिए। कुणाल जी, आपकी राकेश जी कोई कॉल? हाँ, मेरी एक कॉल है, बिकवाली की कॉल है।